हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जोन। दोस्तों, हाजिर हूँ कुछ नई जॉब अपडेट्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में आने वाली बहुत सारी जॉब्स के बारे में जो है ना कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लर्निंग जोन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानब। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में बहुत सारी जबरदस्त जॉब्स के अनाउंसमेंट की गई है। मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूं कि आपने इसका एडवर्टाइजमेंट कहां से लेना है और आपने इसमें अप्लाई कहां से करना है। आपने सिंपली इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है गूगल पे। आप गूगल पे आके आपने सिंपली लिखना है NAVETC, तो इनको क्लिक करेंगे तो ये सबसे फ्रंट पे जो आपके सामने आ जाएगा नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग की जो वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे तो आपके साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इधर जॉब्स का जो है ना ऑप्शन नजर आ रहा होगा, लेटेस्ट जॉब, इस पे आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट आपके पास ओपन हो जाएगा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, प्लीज डाउनलोड बिलो एप्लीकेशन फॉर्म एंड जॉब डिटेल। तो अगर आपने जॉब डिटेल देखनी है तो आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है तो आपके साथ ये आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है और इसमें क्या क्या जो है ना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैं आपको सामने जूम करके दिखा देता हूं आपको इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या क्या एज लिमिट है, ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, और इसमें जो सैलरी है 1,25,000, मतलब काफी अच्छी खासी सैलरी है। 35 ईयर्स जो है ना एज लिमिट है और पंजाब में इस्लामाबाद में इसकी एक सीट है। सॉफ्टवेयर डिवेल्पर की जो है ना एक वैकेंसीज है, 90,000 जो है ना इनकी पे है, 40 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है और पंजाब में इस्लामाबाद और सिंध में इनकी सीट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की सीट है, इसमें भी 90,000 सैलरी है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की सीट है, इसमें भी जो है ना 90,000 सैलरी है। और लास्ट पे जो है ना वो प्रोग्राम असिस्टेंट की जो है ना वो वैकेंसी है और इसमें जो है ना 40,000 जो है ना वो रिक्वायर्ड है, 40,000 जो है ना वो पे जो है ना। और इनमें जो एज लिमिट्स है आपके सामने है 40, 30 और 45 ईयर्स, और वैकेंसीज कितनी कितनी है वो भी मेंशन है। और साथ में अगर आप एडवर्टाइजमेंट में देखें तो आपको जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आपकी जो है ना वो भी हर पोस्ट के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो आप इसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उधर से भी आप इसमें विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट तो आपने देख लिया, फिर आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी में आप नीचे आ जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होगा फॉर्म। आप सिंपली आपने एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपली आपने इसमें अपना डाटा लिखना है, नेम और पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है अपना नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है ना, रिलीजन अपना CNIC, ये मेरिट स्टेटस और डोमिसाइल वगैरह, प्रोविंस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अपने मुताबिक इसको फिल करना है। फिर अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना वो भी फिल करना है, अपना परसेंटेजेस वगैरह, अपनी CGPA, मेजर सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो फिर आपने हर पोस्ट जो भी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस है, जब से आपकी जो डिग्री मुकम्मल हुई जब से लेके अभी तक जो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस जिस इंडस्ट्रीज में, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, वो सारी आपने इसमें मेंशन करनी है। और इसका ड्यूरेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ आपने इसमें लिखना है। टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ लेनी है। और लास्ट में जब आपने सारा कुछ फिल कर लेंगे, अपना फॉर्म फिल करने के बाद आपने इस पोस्टल एड्रेस पे इसको अपने फॉर्म को जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगा के सारी इस पोस्टल एड्रेस पे आपने उसको सेंड कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो अभी आपको टेस्ट या इंटरव्यू जो भी क्राइटेरिया है वो आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जॉब से रिलेटेड वीडियो। इसी तरह की बहुत सारी जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें।